पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी कलेश कदों सुलझेगा, इसका कोई हल निकलेगा या नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इस दौरान हर कोई अपनी ताकत विखाउण दे रौह विच है। एक पासे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लंच डिप्लोमेसी जरिए विरोधियों नूं चित करन दी कोशिश कर रहे हैं, दूजे पासे नवजोत सिद्धू ने दिल्ली विच पिछले दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नाल मीटिंग की। सिद्धू साहब अपने नेताओं के पास आए, उन्हें प्रियंका जी राहुल जी से बातचीत की, कुछ सुझाव दिए होंगे, अपना अनुभव उनको उनके सामने रखे होंगे, उससे जो पंजाब में गुत्थी है उसको सुलझाने में कांग्रेस अध्यक्ष को मदद मिलेगी, तो मैं उनके आने को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूं। 30 जून को शाम 7:23 पर नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी की रिहायश पर पहुंचे। 8:38 तक करीब 1.25 घंटा यह बैठक चली। राहुल गांधी नाल मीटिंग दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। हालांकि 1.25 घंटे की मीटिंग बाद जो सिद्धू बाहर आए तो मीडिया नाल गल करन दी थां वह सिर्फ हाथ जोड़ के चलते बने। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलेश दौरान नवजोत सिंह सिद्धू 29 जून को दिल्ली पहुंचे सन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुल के विरोध करने वाले कांग्रेस लीडर नवजोत सिद्धू ने 30 जून को सवेरे कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी नाल मुलाकात की। इस संबंधी नवजोत सिद्धू ने एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करद लिखा, प्रियंका गांधी नाल लंबी बैठक हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने 1 जून को हाई कमान की 3 मैंबरी कमेटी सामने अपना पक्ष रखा। एक महीने बाद 30 जून को सिद्धू ने प्रियंका और राहुल गांधी नाल मीटिंग की। पर इस सब विच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तेवर कदे नरम नहीं किए। सिद्धू ने अपने निशाने उत्ते सीधा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं रखिया। MLA मेरा ग्रुप है, राहुल जी, प्रियंका जी, सुप्रीम और मैडम सोनिया हमारे बॉस हैं। ये लड़ाई किसी भी ओहदे की नहीं है, किसी पोस्ट की नहीं है, किसी पोजीशन की नहीं, ये लड़ाई मुद्दों की है। दो बड़े पंजाब के पावरफुल परिवार चलाते हैं, बारियां खेलते हैं, अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, जिसे मैं 75-25 कहता हूं, ठीक है। दो परिवार, सिर्फ दो परिवार, राइट। उन लोगों ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से 25 साल एक दूसरे के साथ आंख मिचौनी खेली है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप किसी एमएलए के बेटे को नौकरी देते हो तो वो फॉर द पीपल है, तरस के आधार पे, शहादत के आधार पे, तीसरी पीढ़ी के बाद तरस के आधार पे है। मेरे दरवाजे सिद्धू के लिए सदा के लिए बंद, क्यों भाई आप, अरे तुम्हें पता है कि मेरे दरवाजे बंद हैं, सिस्टम ने बोला बंद, तुम कौन होते हो भाई, तुम कांग्रेस हो क्या? वो आदमी मुझे बोलेगा जो पार्टी बनाई, जिसने 3 इलेक्शन हारे, जिसकी जमानत जब्त हुई, जिसको 876 वोट पड़े, सुन असीम, दम है तो सुनो, 836 वोट पड़े जमानत जब्त करके, वो आदमी जिसको टिकट नहीं दी गई, वो आदमी भागा भागा सोनिया मैडम के पास गया। सोनिया मैडम ने 6 महीने में प्रधान बना दिया, टकसाली था वो, क्या था वो है? तब भी हाई कमांड वही थे, आज भी हाई कमांड वही है। कहना जब से राजनीति में पैदा हुआ हूं, समझे, 17 साल में किसी से एक औहदा मांगा हो, एक पोजीशन मांगी हो, तो नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति 0। हुण सब दिया नजरां हाई कमांड के फैसले उत्ते ने। आखिर हाई कमान पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलेश का की हल कढ़दी है? नवजोत सिंह सिद्धू नूं कीड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का की रोल होवेगा? पंजाब कांग्रेस की स्थिति की रहेगी? क्योंकि हुण विधानसभा चोणां च ज़्यादा समा नहीं बचिया, अजिहे च हाई कमान के फैसले की सब नूं उड़ीक है।
एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।